लिए हमको खड़ा करते हैं। हम चुकी के कई किया गया पर नहीं संस्कार मिला चुके, आकाश पर है प्रदान के कब के बालों का चलिए चलिए हम मार चलिए जिंदा हो जाए वो अपने हाथों से राजा को हार पहनाए। तुमने कहा ये ठीक है लेकिन मैं मजबूर, पीछे फिरते हैं नहीं सती सिंह और शूर मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री। यदि आप हमें कुछ चाहते हैं तो इस चाहत के नाते से हम आपसे इतना मांगते हैं जितने जल्दी जा सकते हो उतने जल्दी घर जाओ। तुम 14 वर्षों के लिए हे तात इस राघव को विश्राम। मैं मेरी बेटी को बने हम लोग देख नहीं सकते पत्तों और शिखाओं में हम सोते इसलिए ही को लेता है शक्ति दीजिए झुंझा को जब ये दिन बनने नहीं तो मुर्दा कर दीजिए। छोटे के वचनों को दिल की तख्ती पर मत लिख लेना, सौगंध है तुम्हें वहां जाकर ये बातें मत कह देना। कहना वो दे आशीर्वाद हम कुशल पूर्वक आएंगे 14 बार जब समाप्त हो तब दर्शन उनके और इन 14 वर्षों में भी हम कभी ना भूलेंगे उनको। अपने खानों के मंदिर में श्रद्धा से पूजेंगे उनको। इस मंत्री अब तुम मेरी आज्ञा को मानकर अर्धपुरी को लौट जाओ। हे प्रभु जैसे आपकी इच्छा है मैं आपको क्या उपदेश दे सकता हूं, परंतु हे नाथ मैं आपका वियोग फिर मैं दर्शन करता हूं जिसके प्यारे घर से पिछड़ने से मछली करती है उसी तरह आपसे पिछड़ने से मैं तुझर को जाऊंगा। जो
अयोध्या में जाते हैं, यही इष्ट देना होगा। क्या राजा दशरथ जी दुखी होकर पूछेंगे तो मैं क्या विचार करूंगा, यही करूंगा कि तुम्हारे पुत्र पुष्कर के घर को चले गए। जब राजा दशरथ जी अपने प्यारे पुत्रों का संदेश सुनेंगे तब अपने प्यार प्यार करेंगे, फिर इस मन तो उनके विजोग में कैसे जिंदा रहेंगे, कैसे जिंदा होगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े क्या नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, उसकी याद में मर गए
क्रिया करने में है शक्ति ही है, तो वो ही नीली आंखों के स्थान पर चारे पुत्रों के होते कोई भी ऐसे भी मेरे पास नहीं है। महाराज कुछ नहीं है, आपको कहना है महाराज बोल दे, सामने कुछ नहीं है, बोल दे तू शांत नहीं बोल दे, उनकी माता पिता मुझे बुला शर्मन 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 तो मेरे बाप वो देखो मेरी महाराज आपको कहना है कुछ नहीं है वो मुझे नहीं महाराज ये आपका भ्रम है, मैंने तेरा कुछ नहीं दिखा भाग्यवती तू मुझे क्यों भूल रही चले चले जाओ सारे यहां से माफ जाओ जाओ माफ कर तुम कहां हे राम हे लक्ष्मण हे सीता तुम कहां हो, अगर तुम मेरे हितकारी हो अगर तुम मेरे हितकारी हो तो मेरे शेष को भूल कर बिल्कुल ही नवच्छुप नहीं
Yeah.
तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। क्या क्या है? शत्रु गांधी कुछ हो तो बताओ। कला आपसे मेरा कोई छुपा हुआ राज है तो बिना तैयार आपकी शत्रु गांधी मैं खुद हैरान हूं कि ये क्या भेद है। आखिर इसका कोई इलाज नहीं। खैरियत की तो खबर लगा है। वैसे तो खैरियत बतलाता है मगर कहता है कि आपको जल्दी बुलाया है। कोई जाए और इनकी को बुला कर लाए। आपके हुक्म से सेवक हाजिर है। अरे खैरियत तो है जो इतनी जल्दी का पैगाम लाया है। पहले तो खैरियत है मगर आप तकरीब लाया है। अरे पिताजी तो ठीक है। अरे माता जी तो प्रसन्न है। हाँ महाराज तकरीब लाया है। अरे भाई रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सब खुश तो है। हाँ महाराज तू सीधी तरह हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देता। हाँ महाराज पहले तो सब खैरियत है मगर आप तकरीब लाया है। अरे मैं पूछता हूँ पिताजी माताजी भ्राता जी सब ठीक तो है। हाँ महाराज पहले तो सब खैरियत है मगर आप तकरीब लाया है। अजीब दुआने से पाला पड़ा है। हाँ महाराज इस बहस को सुनिए और जल्दी अयोध्या जाने की तैयारी करिए। हाँ महाराज मैं कहीं तो नहीं कहता हूँ कि आपको तस्वीर बनाया। अच्छा मेरा चुप कर ज्यादा अफवाह मत। अगर ये आपकी बुराई होंगे खतनाक बात है मगर क्या करें इस वक्त फैलना भी सब विश्वास है। इसीलिए भाई तुम्हारे लिए हमारी मत दें और उसी से इजाजत दीजिए। अगर से मैं कुछ लोग एक पर भी अपनी नयों से दूर नहीं कर सकता मगर इस पर मजबूत नहीं कर सकता और जाते ही काम होना और ज्यादा इंतजार न खाना। अच्छा जाओ।
तो जलते हैं ना पढ़ते हैं 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 Thank you.
राज कैसे है शाही महलों के लिए आज लाली शाही उसका टेढ़ा ही जवाब मिलता है।
ये धीरे धीरे मालूम नहीं किस बला का नाम है। ओहो बेटा, तुम तो बड़े धर्मवान हो। नाम मालूम नंदहाल में जाकर तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी क्यों आ रही है? मैं कह रही हूं कि धीरे धीरे सब कुछ बता रहा। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है या किसी सदी का हिस्सा या ये सालों की संख्या को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा? बेटा तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब बता दूंगा। क्या बात बता दोगी? धीरे धीरे को ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। वो दूत गया दोस्त ने कहा, वो दूत गया तो उसने तुम्हें जल्दी बनाया गया सवाल और दूसरा शब्द नहीं कहा। मैं पूछता हूं और तुम ये धीरे धीरे की परवाह करिए, जल्दी बताओ क्या पिता जी कहा है? बेटा तुम्हें तो खान था, हट चलिए। कह तो रही हूं कि धीरे धीरे फिर वही धीरे धीरे की व्यवहार में माता जी अगर अंत के बाद यह शब्द अपने मुंह से निकला तो मैं तो काल अपने आप को हलाक कर दूंगा। जल्दी बताओ मैं क्या जी रहा है। बेटा शोक, तो तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सुधार गया। पिताजी स्वर्ग सुधार गया? चिंता नहीं, उन्होंने
तू ये सुने जाकर कि मैं ये कैसे मान सकती कि रामचंद्र तो राजगद्दी पर बैठे और मेरा बेटा हमारा मारा गया। सो मैं ये कहते कम निवारा और तुम जानो तुम्हारे बाप Thank you.
अगर मुझको ये खबर होती, अगर मुझको ये खबर होती तो मैं दुनिया से चल देता, कभी पीता ना तेरा दूध ही पीता तो उगल देता। प्रभु से गर्भ में फरियाद करता, प्रभु से गर्भ में फरियाद करता और वो फल देता। अरे बदल देता तेरे को या फिर मुझको बदल देता। ना पैदा यहां होता, ना पैदा यहां होता, ना ऐसी दुर्दशा होती। अरे इससे तो खुशी ही नहीं थी अच्छी, पर ना माता दुर्दशा होती। अरे क्या से मैंने तुझे याद किया, नहीं नहीं पति घातनी माता नहीं। यूं कहो मैंने पुल पर कलंक लगाया है, अधिकारी को राशन राशन से मारा और मैंने पति को जान से मारा। बस बस ये जो राजेंद्र का सामान है या तो श्री राजेंद्र के लिए है या पिताजी देखा अगला शिया बाल है। सुन मेरे वक्त मान के राजा, अब तो आजा राजनीति के मार्ग पर आजा। मेरी राजनीति ये है कि श्री राम को वन से वापस लाऊं और गद्दे पर बैठाकर तुम्हारे मैंने निशान को खाक में लाऊं। उल्टा नीति से जो चाहा है तूने वो नहीं होगा। अरे ये गद्दी राम या राम ही गद्दी नहीं होगा। माता जी प्रणाम। संतोष बेटा संतोष। माता जी आपने मुझको पहचाना नहीं, माता जी आपने मुझको पहचाना नहीं कल के जोश में। अरे काम ने नवरुद्ध जो था ले लिया उसी को जोश में। मेरा नाम भरत है, मेरा नाम भरत है, इस कई का हूं बेटा। अरे मेरे ही कारण तुम पर ये मुसीबतों का पहाड़ टूटा। मैं ही वो तस्कर हूं, मैं ही वो तस्कर हूं जिसने आपकी सुख शांति का खजाना लूटा। माता